उधर कानपुर के डूडा विभाग द्वारा काशीराम आवासीय योजना के तहत बनाए गए आवासों का आवंटन नहीं होने से नाराज समाजवादी पार्टी युवक जनसभा के कार्यकर्ता परियोजना अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। परियोजना अधिकारी की गैर मौजूदगी में उनके दफ्तर में ज्ञापन लगाकर नारेबाजी की गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि काशीराम आवासीय योजना के तहत बनी सैकड़ों कॉलोनियों को अभी तक बांटा नहीं गया। परियोजना अधिकारी से लगातार उनकी मांग जारी है, इसके बाद भी कॉलोनियों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। वहीं समाजवादी पार्टी युवक जनसभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द से जल्द गरीबों को आवास आवंटित नहीं किए गए तो इसकी शिकायत डीएम से की जाएगी। तो हम समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते सभी जनता के साथ मिले के इन अधिकारियों से मिलने आए हैं, इनकी समस्याओं को अवगत कराने आए हैं और इन अधिकारियों से मांग करते हैं, इनकी जो शिकायतें हैं, जो मांगे हैं, उसको प्राथमिकता से लेके उस पर काम करने का काम करें ताकि जनता को उत्तर प्रदेश की सरकार पर पुनः विश्वास हो।